लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन से शुरू हुई स्वराज की लहर 1916 आते आते पूरे देश में अपना प्रभाव जमा चुकी थी। 1916 के होम रूल लीग आंदोलन से इस लहर के नए प्रणेता बनकर उभरे भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधा कांग्रेस नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रवाद की एक ऐसी खनकती धमकती आवाज जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की आंख में आंख डालकर कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में एक तरफ लोकमान्य तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की, वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने। 1916 का ये साल भारतीय इतिहास में होम रूल यानी स्थानीय नागरिकों के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में याद किया जाता है। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आक्रामक बना दिया। होम रूल आंदोलन अपने स्वभाव में भले ही आक्रामक था, लेकिन इसमें हथियारों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। लोकमान्य तिलक के आंदोलन का भी मूल आधार अहिंसा ही था। उन्होंने टुकड़ियां बनाकर देश भर में होम रूल का प्रचार प्रसार किया और जनता को स्वशासन का मतलब समझाया। लोकमान्य तिलक जी के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज भयभीत हो रहे थे। चूंकि होम रूल लीग का भी उद्देश्य कांग्रेस की ही तरह स्वराज प्राप्ति था, इसलिए होम रूल लीग का कांग्रेस में विलय हो गया और दोनों एक ही रास्ते से आजादी की मंजिल की ओर निकल पड़े। इसी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में कांग्रेस की ताकत और प्रभाव दोनों बढ़ते जा रहे थे। विलय से पहले गांधी जी इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष रह चुके थे। होम रूल आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को साफ संदेश दे दिया कि अगर लोगों ने एक साथ आने का फैसला कर लिया तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज भी हमें लोकमान्य तिलक जी के राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जहां राष्ट्र ही सर्वप्रथम हो, जहां देश के लोगों की उन्नति, खुशहाली और भाईचारा ही सब कुछ हो। कांग्रेस इसी राष्ट्रवाद की ध्वजवाहक बनकर उभरी, जहां से आजादी का सपना साकार हो सका। जय हिंद। लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।